सर्वाधिक सर्च में जय भीम, शेरशाह तो ब्रह्मास्त्र भी। पिछले साल पूरे देश में गूगल पर जिस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा खोजबीन की गई वह जय भीम थी। उसके बाद शेरशाह, राधे और फिर मलयालम वाली यानी मोहनलाल के दृश्यम 2 का नंबर था। इस साल अजय देवगन की दृश्यम 2 भी सबसे ज्यादा सर्च की गई शीर्ष 10 फिल्मों में शामिल है। मगर 2022 के पहले 11 महीनों में गूगल पर सबसे ज्यादा खोज खबर ब्रह्मास्त्र के बारे में ली गई है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में देश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली KGF चैप्टर 2 और RRR भी ब्रह्मास्त्र से पिछड़ गई, जबकि RRR तो ऑस्कर की दौड़ में भी शामिल है। ऐसे में कश्मीर फाइल्स, कांतारा, पुष्पा, द राइज, विक्रम और लाल सिंह चड्ढा को तो पीछे रहना ही था। ब्रह्मास्त्र सबसे ज्यादा सर्च की गई फिल्म थी तो सबसे ज्यादा सर्च की गई खबर थी लता मंगेशकर का निधन। उनके बाद सिद्धू मूसेवाला के निधन की खबर का नंबर था। इसी तरह जिन 10 हस्तियों के बारे में गूगल पर इन 11 महीनों में सबसे ज्यादा जानकारी ली गई, उनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी थे। इनके बारे में लोग जानना चाहें या एकदम स्वाभाविक है, लेकिन क्रिकेटर प्रवीण तांबे भी इस सूची में, जिन पर डिज्नी हॉटस्टार पर कौन प्रवीण तांबे फिल्म रिलीज हुई तो उनके बारे में जिज्ञासा पैदा हुई। उनके अलावा अभिनेत्री सुष्मिता सेन और IPL के जनक व घोटालों के आरोपों में देश से फरार ललित मोदी भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। हालांकि ज्यादातर लोग सुष्मिता सेन और ललित मोदी के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ महीनों पहले इन दोनों की बढ़ती नजदीकियों की खबर आई तो उन्हें नए सिरे से सर्च किया गया। इस सूची में 10वें स्थान पर हॉलीवुड की अभिनेत्री एम्बर हर्ड है। दिलचस्प तथ्य यह है कि अमेरिका में भी इस साल गूगल सर्च में एम्बर हर्ड पहले नंबर पर रही, जबकि अभिनेता जॉनी डेप दूसरे नंबर पर आए। 5 साल पहले इन दोनों का तलाक हो गया था। इन दोनों को इस साल इतना सर्च किए जाने की वजह यह है कि जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड पर मानहानि का केस किया और जीता। यह केस उन्होंने हर्ड के घरेलू हिंसा के आरोपों के जवाब में दायर किया था। Not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.